चलो अब ये हो गया, अब सच बता। He is a big time सड़ू, इससे ज़्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है। He is such a big सड़ू, he is just a big time सड़ू, that's all I have to say about him, he is a सड़ू। Very attitude-y, like an oldie, he is here. हमेशा busy रहते हैं, हम दोनों का एक अलग इश्क चल रहा है actually. In fact, you know, अभी जैसे यही होगा कहानी में। Set पे actually मैं सबसे ज़्यादा insecure रहता हूँ, मुझे सब लोग पूछते हैं दो heroes की picture शो कर रहा है, insecure है क्या, insecure है क्या, मैं हाँ मैं बहुत insecure हूँ भाई, इससे नहीं हूँ, लेकिन तेजू जब सेट पे आती है तो वो ले जाती है, तो ये उसके साथ बिजी हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो छीन लेती है करण को मुझसे। हाँ मतलब कुछ करना पड़ेगा, हमारे सेट बहुत आसपास है। मसूरी में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ क्या बताऊँ। सी अपार्ट फ्रॉम द कोल्ड वेदर एंड स्टफ लाइक दैट, आई थिंक एट द आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, and apart from the ghost I had a really fun experience. Apart from the ghost मतलब थोड़ा उस पे I just एक भटकते हुए राम को कहते जिन्हें इससे इश्क हो गया था। It's true. ये होटल छोड़ के बाकी से हुआ इश्क रामू काका को इससे। अच्छा ओके। मुझे रियल लाइफ में भूत और भेड़ियों से इश्क नहीं होता। Nothing. I was staying at a property which was a little spooky and एक दिन मैं नींद में थी, मैं रात को दरवाजा किसी ने ठक ठक किया, आई जस्ट ओपन द डोर एंड देयर वाज दिस वन स्पूकी मैन आस्किंग इफ यू नो एवरीथिंग इज फाइन एंड ऑल दैट, बट लेटर आई जस्ट डिस्कवर्ड कि वैसे कोई आदमी वहां पे काम ही नहीं करता था, सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस शूटिंग इन मसूरी एंड आई स्वेयर दैट मी एंड कश्मीर हैड नथिंग टू डू विद इट, ये हमारा कोई प्रैंक का प्लान नहीं था, आई वुड हैव अज्यूम दैट वाज द केस, वी वर बिजी डूइंग अदर थिंग्स, या या कोल्ड में जो करना चाहिए, हां यू नो आप दोनों, हां मतलब बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा, बट मेरे लिए प्यार इज दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस पैशन वो सब चला ही जाता है, हर रिश्ते का चला जाता है वो, बट दोस्ती जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है, और दोस्ती दो लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है, इट नेवर फेड्स आउट, सो आई नो इट साउंड्स रियली क्लीशेड, बट फॉर मी लव इज फ्रेंडशिप एंड या इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया। हमें हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हो के यू नो लाइक जाने तू जा रहा, इट इज दैट टिपिकल लव स्टोरी, आई लिव इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड। तो इन दोनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the three of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. Yeah. And the three of us have an amazing understanding, जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में. Usually, वक्त जाता है and जब show शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ reading करने का या rehearsals करने का. But the kind of understanding that the three of us share, I think it's really commendable and we share a professional bond, which I deeply respect. यार मेरे लिए तो इश्क वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए। आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है। और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है। पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी, पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई, पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया, सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है आखिरी है उस मायने में। लवली अपनी माँ को मेरा भी सलाम, वी नीड मोर मदर्स लाइक हर, सो दिस इज गोइंग आई थिंक या मतलब इंस्पिरेशन बिगिंस एट होम ओनली आई गेस, बट यू नो जोक्स अपार्ट कलर्स इज अ चैनल हु हैज व्हिच हैज माय बैड मास्टर्ड दिस जॉनर, एंड आई डोंट थिंक कि हिंदुस्तान में कलर्स के अलावा कोई ऐसा चैनल है जो पढ़े बढ़ा देना थोड़ा सा। I don't think any other channel has come near to what Colors has done. Nagin, of course, my favorite. yeah, aise hi karte hain yaar. So yeah, I think they have it in them, and hence, you know, if you see in progressive order, ishq mein tere ishq mein ghayal. is an evolution of what they've already accomplished, and it doesn't get better than this. Right, absolutely. Come on, taliya thodi kam ho rahi hai, everybody. Love you too. And John. And you know, abhi Kashmir was saying ki you know, mohabbat ishq wo hoti hai jisme kuch bolne ki zarurat nahi padti. And you know, working with Kashmir for 2 months, I've realized ki iska har relation aisa hai.
तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है. यू नो व्हाट आई मीन, इफ ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू ही विल नॉट से इट. इफ ही लाइक्स यू ही विल नेवर से इट. ही विल यू, दैट्स ट्रू, ही विल नेवर से इट. सो ही इज लाइक दैट ओवरऑल. सो यू नो, 2 months दैट वी हैव स्पेंड टुगेदर शूटिंग, वी हैव अंडरस्टूड ईच अदर एंड वी हैव ऑल हैड आवर ओन एक्सपीरियंसेस. यू नो, ही इज कम फ्रॉम यू नो थिएटर एंड ही इज कम फ्रॉम अ मैसिव यू नो आर्टिस्टिक सॉर्ट ऑफ अ प्लेस एंड ही ब्रिंग्स दैट. शी हैज़ हर ओन एक्सपीरियंस. वो तो हम बोलते हैं कि बचपन से ही है एंड यू नो वी ब्रिंग टुगेदर एवरीथिंग एंड वी पुट इट ऑल टुगेदर टू मेक अ फैबुलस शो. सो यू नो इट्स आवर एक्सपीरियंसिस, इंडिविजुअल लाइव्स आर एक्सपीरियंसिस एंड वी कम टुगेदर टू मेक अ शो. सो वेन समबडी आस्क्स मी कि आप दो हीरो का शो कर रहे हो, मैंने कहा भाई 4 महीने हो चुके हैं शो साइन किए को, 2 महीने शो शुरू हुए को, आज पहली बार मैंने सोचा इसके बारे में. Because me and Kashmir are killing it, you know. So we never thought about it because we are about coming together and making a good product. मतलब basic ये है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के against काम नहीं कर रहे हैं, हम सब एक ही team पे हैं. भाई भाई है, हाँ, actually भाई है. हाँ, वही तो, भाई है दोनों. Yeah.